क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 को डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे पहले लिखेंगे, तो x प्लस 1 यहाँ पर होगा और इसको हमें यहाँ पर लिख लेना, यानी कि 4x³ प्लस में 3x² और प्लस में 2x प्लस में 1। अब डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करते हैं तो टेबल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी टेबल को ही पढ़ना है, लेकिन टेबल में क्या होता है, उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है x³ 4x³, तो हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ताकि 4x³ आ जाए। तो x प्लस 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 4x² से। अगर हम 4x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्राप्त होता है कितना, 4x³। और इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x² आएगा। तो ये प्लस में हो गया 4x² जिससे मल्टीप्लाई किए हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 4x² हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4x³ और प्लस में 4x², ठीक है। अब डिवाइड में यहाँ पर क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्शन ही होता है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों सेम सेम है तो कैंसिल हो गए। अब इसमें से इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो देखिए 4 में से 3 को सेपरेट करेंगे, 1 आएगा। और x² को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ये माइनस है तो साइन क्या होगा, माइनस लगेगा। बाकी जो टर्म है इनको यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, 2x प्लस में 1। अब क्या लाना है, माइनस 1x², यानी x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, माइनस 1x². तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम x से, तो ये आ जाएगा, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि माइनस भी लाना है तो माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x², इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आएगा, ठीक है। अब जिससे मल्टीप्लाई किए उसको यहाँ पर लिखेंगे माइनस x, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या प्राप्त होगा, माइनस x² और माइनस में x, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें माइनस करना है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस तो दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो गए। यहाँ पर ये प्लस और ये प्लस, तो दोनों ऐड होगा तो 3x आएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना लाना है, 3x लाना है इसमें मल्टीप्लाई करके। तो x प्लस 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये कितना आएगा, 3x, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 1। तो इस 3 को यहाँ पर लिखना होगा प्लस में 3, और 3x प्लस 1 यहाँ पर लिखेंगे, नहीं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 3, और ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 3 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2, ये रिमाइंडर होगा।